हम कोई भीख मंगे थोड़े ही हैं, हम लोग क्यों बैठे उन लोगों में हैं? और मांग के खाने से कोई भीख मंगा थोड़े ही हो जाता है, क्यों बापू हैं? ना बोलता बहुत है, खाने के समय में बोला नहीं करते, जल्दी से खा ले फिर दोबारा जाके ले आना, आज कोई ना नहीं रहेगा। बड़े आदमी की फूफी जो मरी है। जा दोबारा ले आ, दो पूरी झोले में डाल ले बहू के लिए। अब इस हालत में पूड़ियां खा के मरेगी नहीं? बगैर खाए भी तो मर जाएगी, दो दिन से कच्चे मटर खा रही है। ए, चोर लोगों, कहाँ चले जा रहे हो? सेठ कोई काम हो तो बताओ। कोई काम नहीं है। नहीं, वो लकड़ी काटी थी तुम्हारे लिए पिछली बार। मुझे सब मालूम है, आधा वक्त बैठ के बीड़ी चिलम पीते रहते हो, हैं? चलो निकलो यहाँ से। बीड़ी चिलम कुछ है ही नहीं सेठ। मैंने कहा ना निकलो यहाँ से। ये इतनी बातें ना बनाओ, चलो। मिट्टी उठाने के लिए कहा था तुझे नान भाई ने, दो चार आने तो मिल ही जाते। बहुत नींद आ रही थी बापू, वो पूड़ियां कुछ ज्यादा भारी हो गई। बहू ने कुछ खाया? हाँ, पर उसके पेट का दर्द अभी तक कम नहीं हुआ। अबे वो पेट का दर्द नहीं है, वो कोख का दर्द है। मेरे ख्याल में तो दो एक दिन में किसी भी वक्त बच्चा पैदा हो जाएगा। अच्छा। तो फिर दाई को बुलाना चाहिए ना? दाई 5 रुपए और कपड़ा मांगती है, 5 रुपए मजाक है कोई? ये भी क्या पड़ी थी शादी करने की? पर तुमने भी तो की थी बापू। उधर मत जाइयो, ये उनका कुआं है, किसी ने देख लिया तो जान से मार डालेंगे। हाँ तो उसको भी तो मना करते, उसके भी तो जान को खतरा था। बापू, अब उसने तो इसको छू लिया, अब ये तो उनके किसी काम का नहीं रहा है ना। पर उनको क्या पता? हमें तो पता है, हम उनका धर्म बचा देते। क्यों? पता नहीं क्या बोलता रहता है ये तो। ये ले पकड़। इतनी लंबी रस्सी धर्म की, अब आप आ जाने मेरे। ताड़ी भी तो मिल गई, साथ में बधिया के लिए दलिया भी मिल गया। क्यों? पुण्य का काम करोगे बेटा तो ऐसे ही होगा। क्या हुआ? जो खाया था
सब उल्टी कर दी बापू। मुझे तो लगता है बचेगी नहीं। जचगी में तो ऐसा नहीं होता। सवेरे से तड़प रही है दर्द में। उसको मरना है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? कितनी बुरी तरह तड़पती है। तो उसके पास जाके क्यों नहीं बैठता? मैं उसके पास बैठकर क्या करूं बापू, मुझसे नहीं देखा जाता। बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ जिंदगी का सुख भोगा उसी से बेवफाई। मैं सोचता हूं माधो, कोई बच्चा अच्छा हो गया तो हाँ? ये सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में? सब मिल जाएगा, भगवान बच्चा तो दे। ये लोग जो पैसा नहीं देते ना, सब आके देंगे। हमारे दुख में उन्हें अपनापन नजर आना चाहिए, तब देंगे। तू उसके पास क्यों नहीं जाता? अब मेरी औरत मरे थे, तीन दिन तक हिला नहीं था मैं उसके पास। तीस साल पहले की बात होगी। ऐसा भोज था, इतना भरपेट तो मैंने कभी खाया ही नहीं। क्यों, बहुत तरह के आलू बने थे क्या? अरे नहीं रे, दही था, चटनी थी और मिठाई। मिठाई में क्या क्या था? मिठाई में बालू शाही थी और बूंदी के लड्डू। जो चाहे मांगो, जितना चाहे खाओ। अच्छा। अरे अफसोस तो ये होता था कि बाराती थाली भर भर के फेंकते थे। बच्चा पेट में ही लेकर मर गई। सारा बदन नीला पड़ गया, जहर हो गई जहर। अरे ले गया ले, अरे ले गया ले, ठगराए, अरे लूट गया, अरे ठगराए, ठगराए ने। ये भी लो।
क्या हुआ क्या? बिपदिया मर गई, पेट में बच्चा लेके मर गई। अरे बच्चा अकेला रह गया रे। अब चुप करो। अरे कफन के लिए कुछ तो दे दो, एक नहीं है जेब में हमारे भाई। अरे भैया रे, अरे क्या जुलम कर दिया तूने? अरे सेठ थोड़ी लकड़ी भी दे दो, पुण्य का काम होगा, जलाने के काम आएगी। वो उठा लो। उठा ले बेटा। भटकते होंगे बेचारे कहीं, चार पैसे हाथ आ जाएं तो अर्थी उठाने का इंतजाम करें। लकड़ी तो काफी जमा हो गई जलाने के लिए, और ये कुछ 5 रुपए से ऊपर ही जमा हो गए। अब कफन चाहिए बस। कोई हल्का सा खरीद लेंगे। हाँ। क्या क्या चाहिए? कफन चाहिए था, सस्ता वाला। कितना चाहिए? कितना चाहिए होगा? 2-3 गज। 3 गज तो लगेगा। 3 गज लगेगा। एक गज का 1 रुपया दो आना। हाँ? एक गज का 1 रुपया दो आना। कैसा बुरा रिवाज है, जीते जी जिसके बदन पे चिथड़े थे, मरने के बाद वो नया कफन पहनेगी? और नहीं तो क्या? और वो भी लाश के साथ जली तो जाता है। और क्या, यही 5 रुपए उसकी जिंदगी में मिल गए होते तो दवा दारू करते ना बचती, और पेट में दम तो नहीं रहता। एक बोतल संतरे की देना, तेज वाली। अच्छा, कितना हुआ? 1 रुपया 10 आना। महंगी हो गई क्या? कलेजी खाएगा? हाँ ले लो, कलेजी दे दे। ले खा। नया कफन लगा देते तो क्या होता? चली तो जाता, बहू के साथ तो नहीं जाता। पर अभी तो सारा का सारा हमारे पेट के अंदर गया। बापू तो हजारों ब्राह्मणों को दे देते हैं, किसी ने बोलो जाके देखा कि मिलता है कि नहीं। बड़े आदमियों के पास है तो फूके। उनके पास बहुत कफन है, जीने के लिए भी मरने के लिए भी। फूको, हमारे पास क्या है फूकने के लिए? बापू लोग पूछेंगे कफन कहाँ है, तो एक ना एक दिन हम लोग भी वही जाएंगे ना। हम्म,
तो वो हमसे पूछेगी कि हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहेंगे? वो पूछेगी तो जरूर जरूर पूछेगी। अरे तू मानता क्यों नहीं कि उसको कफन मिलेगा? उसको कफन मिलेगा, कौन देगा? वही लोग देंगे जिन्होंने ये दिया। लाज चढ़ेगी, गंद आएगी, फिर उठाएंगे वो लोग।